चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 179th वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार और नए विषयों पर हम आपके समक्ष ये चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट के माध्यम से, अपने पैनलिस्ट के माध्यम से। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है, मानसिक स्वास्थ्य। कई बार हमको खुद को मालूम नहीं होता है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं और हम स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। इस बीमारी से ग्रसित मनुष्य जो भी होता है, कि मानसिक उसकी परेशानियां होती हैं कोई, तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं होता है कि उसको कुछ समस्या है मानसिक स्तर पर, उसको कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, उसको कोई मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और जब तक आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके घर परिवार की बातें हों, चाहे आपके वर्क प्लेस की बातें हों। तो वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य क्या है, किस प्रकार हम इसको जज कर सकते हैं और किस प्रकार अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से रख सकते हैं, किस प्रकार ये समस्या बच्चों में उत्पन्न होती है, उसके लिए हम क्या सुझाव ले सकते हैं, इन सारी बातों पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनीष कुमार जी। मनीष जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से आपने एमए सोशल वर्क में किया है, मेंटल हेल्थ एंड, और उसके बाद आपने एमफिल किया है साइकेट्रिक सोशल वर्क फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची। करेंटली आप असिस्टेंट डायरेक्टर मेंटल हेल्थ काम कर रहे हैं एसओएस स्पेशल चिल्ड्रन विलेज में। एक लंबा अनुभव है आपका इस पर काम करने का, काफी जगह पे आप एज ए पैनलिस्ट मेंटल हेल्थ के विषयों के लिए जाते रहे हैं। तो मैं मनीष जी से आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय मानसिक स्वास्थ्य बच्चों में, बड़ों में, सभी में क्या होता है, इस पर अपनी बात रखें। मनीष जी, ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। वार्म वेलकम ऑफ एवरीबॉडी एंड थैंक यू सर, डॉक्टर कृपा शंकर सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अ चांस टू टॉक ऑन दिस मेंटल हेल्थ टॉपिक व्हिच इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक इन टुडे सिनेरियो। आई होप इंग्लिश इज कंफर्टेबल, नो इंग्लिश एंड यस, कंफर्टेबल कंफर्टेबल, नो इशू, यू कैन गो अहेड। सो या So once again, welcome to all of you, and I would like to thank, first of all, the technology that has given us a platform to connect virtually. So as we all know, like today is the World Disability Day, and we do observe, we do celebrate this day. I mean, even today we also celebrated in our SOS Children's Villages Khajuri Kalan, which is a special center for that deals with the special children coming across from around 21 listed disabilities. तो आज हम बेसिकली बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे। आई मीन बहुत लोगों को तो ये नहीं पता है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, एंड आई वुड से कि थैंक्स टू कोविड की आने वाले इस कोविड के बाद मेंटल हेल्थ हैज कम अप इनटू रिकॉग्निशन, आई मीन टू मच ऑफ द एक्सटेंट, है ना। तो एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है और आज ही मुझे डॉक्टर कृपा शंकर सर का फोन आया एंड उन्होंने बोला कि आज एक सेशन करना है मेंटल हेल्थ पे। तो माफी चाहता हूँ अगर मेरे से कुछ ये हो जाए, मैं आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। एंड इस दौरान मैं हम ये चाहेंगे कि इट शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ वन साइडेड सेशन जहाँ पे एक इंसान बोले एज अ फैसिलिटेटर या एज अ प्रेजेंटी एंड द अदर्स आर जस्ट आई मीन सिटिंग क्वाइटली। मैं चाहूंगा कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो और थोड़ा इंटरेक्टिव रखने का कोशिश करेंगे। यू ऑल आर फ्री टू इंटरप्ट मी एट एनी टाइम, है ना। सो मनीष जी, हम आप 20-25 मिनट तक वन साइडेड ही रखते हैं, उसके बाद इंटरेक्शन करते हैं, तो आप अपना प्रेजेंटेशन कर लें, उसके बाद देखते हैं। जी जी, तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आप लोगों को आई गेस मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, यस, ओके, थैंक जी यू, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और जैसे स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो हम मानते हैं कि स्ट्रेस इज इनएविटेबल, एंड स्ट्रेस एक ऐसा कॉमन सा आई मीन इट इज कॉमन फैक्टर जो हम में से हर कोई स्ट्रेस से होके गुजरता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, है ना, कि किस तरह से
क्या हेल्थ एंड क्या मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज द कोरिलेशन। ओके सो बेसिकली जैसे हम लोग हर वी ऑल नो लाइक कि हेल्थ जो है हेल्थ में लाइक देर आर फोर मेजर फैक्टर्स। अगर हम WHO के डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड 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 नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटीज एज पर द WHO डेफिनेशन। इसमें हम लोग चार तरह का अगर हम डोमेन जैसे हम रिसेंटली अगर बात करते हैं कि कोई बंदा मान लीजिए शरीर से अगर विकलांग है या शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, शरीर में कोई दिक्कतें हैं परेशानियां हैं तो वी कैन से कि फिजिकली वो हेल्दी नहीं है। मेंटली अगर हम बात करें तो मेंटल में बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी फीलिंग्स, हमारा कॉग्निटिव फंक्शंस है ना, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, हमारा डिसीजन मेकिंग। तो अगर मेंटल हेल्थ भी अगर गड़बड़ है तो वी विल नॉट से कि हम वो इंसान एक हेल्दी है। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर आप जैसे सोशली भी हम देखें, सोशल अगर हम हेल्थ की बात करें तो सोशल हेल्दी इंसान हम उसको मानते हैं जो हु इज केपेबल एनफ इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स है ना, हु इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज और हर कम्युनिटी और सोसाइटी और सोशल नॉर्म्स में फिट कर पाता है। जैसे अगर हम सिंपल से बात करें जैसे ASPD एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले जो पीपल होते हैं जिसमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है तो ऐसे हम कहते हैं कि नहीं यार ही इज नॉट सोशली हेल्दी, तो उसको भी हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं। एंड द लास्ट इज स्पिरिचुअल। सो कंबाइनली अगर हम देखें तो फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल टूगेदर फॉर्म्स अ कंप्लीट हेल्थ एंड वेलबींग का पैकेज। विदाउट एनी वन ऑफ द डिसफंक्शनल डोमेन वी कैन नॉट कॉल एनी इंडिविजुअल अ हेल्दी पर्सन। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ। जो हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं लाइक वन मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द पार्ट और इट इज एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ। सो अगर हम WHO के डिफिनेशन की बात करें तो मेंटल हेल्थ इट सेज क्लियरली लाइक इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और ओन पोटेंशियल्स, cope up with the stresses of life, can work productively and is able to make contribution to the community. तो अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल देते हैं पहला पॉइंट कैसे हम क्राइटेरिया फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं कि मैं एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मैं अपनी कैपेबिलिटी को जानता हूं। टू बी वेरी ऑनेस्टली आई कैन नॉट बी अ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कभी नहीं। आई कैनॉट इवन थिंक ऑफ। सो आई बेटर नो माई एबिलिटीज। सेकेंड इज कैन कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आज मेरा 500 रुपये भुला जाता है तो ऐसा नहीं है उसके लिए हम स्ट्रेस जो है महीनों तक स्ट्रेसफुल में नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान डेली टू डेली स्ट्रेस को ओवरकम कर ले रहा तो वो मेंटली हेल्दी है एंड वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अगर हमें कुछ प्रोडक्टिविटी हम काम कर रहे हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से जाना जाता है। जैसे हम लिटरेसी, हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, लिटरेसी है, डिफेंस है, मेटल्स है ना, हेल्थ एक इंडिकेटर है। सो समवेयर नेशनल इनकम भी एक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री किसी भी नेशन के लिए। तो समवेयर एज अ इंडिविजुअल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द national income of a country, national income of a nation of a country. So directly or indirectly hum productively kaam kar rahe and we are making a possible contribution to our community. So ye char cheeze milakar jo hai mental health hum bolte hain. If all these four qualities are found in any individual, we can say that he has achieved a state of mental health well-being. लेकिन अगर इफ यू लुक ऑन टू द फ्लिप साइड ऑफ द मेंटल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ का उल्टा इज मेंटल इलनेस व्हिच अफेक्ट्स द थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। क्योंकि हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसमें हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ देखिए जैसे और प्रोफेशन में आप देखेंगे मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी में अगर हम बात करें तो कोई भी जैसे ऑर्थोपेडिशियन है या मेडिसिन का डॉक्टर है या कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है तो वो बस ऑर्गन से कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ में देखें ना, मेंटल हेल्थ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को या एक साइकेट्रिस्ट को ना केवल ही उस ऑर्गन का वो ट्रीटमेंट करता है बल्कि ही हैज टू मेक अ कनेक्शन विद दी दैट इंडिविजुअल। सो मेंटल हेल्थ आई थिंक कि अगर अगर मैं बात करूँ ना, मतलब आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है
अगर इसके संदर्भ में अगर बात करूं, जैसे आप राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि प्रेवलेंस ऑफ जो डिजीज बर्डन है, मनीष जी, आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा, पहले पे ही है अच्छा पहले पे ही है, ओके ओके जी। सॉरी। अभी अभी सर मूव हो रहा है। यस, आगे आ गया जी। जी आप राइट हैंड साइड में ग्राफ देख पा रहे हैं अभी? यस यस, देख रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। बीच में मैं सर कंफर्मेशन लूंगा एक बार, आई एम रियली सॉरी। हाँ तो अगर हम डिजीज बर्डन की बात करें तो ओवरऑल डिजीज बर्डन अगर हम देखें तो आप लोगों को पता है कि जैसे जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस होते हैं, जो हृदय रूपी जो बीमारियां हैं, उनका बहुत ज्यादा ये मतलब 33% जो है हमारा कंट्रीब्यूशन था। ये ग्लोबल मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ, ग्लोबल जो एनसीडी का है मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अगर लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा जो अभी वेटेज है दैट इज ऑफ मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा चीज है कि अभी के आधुनिक मतलब इन टूडेज एरा ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजिकली लोग इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, देर इज सोशल फ्रेगमेंटेशन आ गया, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया। पहले के जमाने में होता था कि हम लोग देखते थे कि ज्वाइंट फैमिली का ट्रेंड था, लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत था, लेकिन अब फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तो दीज ऑल थिंग्स हैव लेड टू द डिजीज बर्डन इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ डिजीज बर्डन बढ़ गया है। और अगर हम रिसेंटली डेटा अगर हम बताएं पर पर्सन, तो अभी 1 out of 4 मतलब 1 in every 4 person is suffering from any sort of mental illness। और वो चाहे हम में से कोई भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकता है, आप में से कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति धर्म किसी भी मजहब किसी भी कंट्री से आने वाला कोई भी नेशन का आदमी हो सकता है। एंड एंड वी ऑल नो कि मेंटल हेल्थ के बहुत कारण है, ऑर्गेनिक ही नहीं, हेरिडिटरी ही नहीं, बल्कि मेजर अगर हम देखें तो सोशल पैथोलॉजिकल कॉजेज ज्यादा है। मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, रिलेशनशिप इश्यूज है ना, लोगों के जॉब प्रॉब्लम्स। और इसका मुझे लगता है बेहतर एग्जाम्पल, ये कुछ बताने लायक ऐसी कोई नई चीज है मैं नहीं बता रहा, ये एक बेहतर एग्जाम्पल इसका है कोविड, जिन्हें जिन कोविड एक ऐसा सिचुएशन था जिसने बहुत चीजें क्लियर कर दी कि कोविड के कारण कितने सारे साइको सोशल इश्यूज अराइज हुए, और दैट हैज लेड टू अ कंडीशन वेयर पीपल वर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इलनेसेस, है ना। और लास्टली अगर हम देखें आज सिंस की एक डिसेबिलिटी डे है, डाली एक ऐसा यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ पर इयर्स, मतलब डिसेबिलिटी के कारण जो कोई इंसान, जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कंट्री के लिए, तो वो जो बंदा काम नहीं कर पाता है उससे कितना लॉस हुआ वो चीज हम दिखाएं। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है कंट्रीब्यूट करता है करीब करीब 13% ऑफ टोटल डालीज, मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब लॉस्ट ऑफ ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी। तो ये चीज है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस ऑल द डिसेबिलिटी मेंटल डिसेबिलिटी इज रैंक्ड अमंग द टॉप, बिकॉज मेंटल डिसेबिलिटी एक ऐसा डिसेबिलिटी है जो नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल मतलब फिजिकली, बल्कि इट कॉज ए सब्सटेंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल विच इज अ मेजर कंसर्न फॉर अ कंट्री फॉर अ नेशन। अगर किसी बंदा का हम बायोलॉजिकल मॉडल या सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी देखें, किसी के पास पैर नहीं है और अगर हम उसको कुछ ऐसा असिस्टिव डिवाइस अगर प्रिवेंटिव एड देते हैं तो वो बंदा अगर काम कर सकता है, अगर हम उसको इक्वलिटी लेवल पे ले आते हैं तो ही इज नो मोर अ डिसेबिलिटी। भले वो बायोलॉजिकली डिसेबल्ड है बट वो सोशली डिसेबल्ड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन एंड इसीलिए हम आजकल मेंटल डिसेबिलिटी की ज्यादा बात करते हैं। और मैं ना एक बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बात करूंगा, थोड़ा सा मैंने दो इलनेसेस लिए हैं, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन विच इज वेरी कॉमन और जो हम में से हर किसी को है। एंड आई एम डैम श्योर कि यहाँ हर एक बैठे लोगों को एंग्जाइटी से वाकिफ होंगे। इवन मैंने भी ऐसे बहुत लाइफ में ऐसे स्टेजेस आए हैं वेर आई यूज टू बी एंशियस। तो एंग्जाइटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इट इज कैरेक्टराइज बाय वरी एंग्जाइटी वरी एंड एंड इट इज अ काइंड ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस फॉर द डेली आई मीन रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज। और हम एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम में देखें तो कोविड हैज मतलब कोविड के टाइम में आप देखे होंगे लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, लोग हैंड वॉश रेगुलरली यूज कर रहे थे, लोगों में घबराहट थी, एक एंग्जाइटी वाली फीलिंग थी कि क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
एक फियर ऑफ एंटिसिपेटेड फियर था लोगों के अंदर में, एंड एंग्जाइटी में अगर आप देखें तो एक पैनिक अटैक्स इज वेरी वन ऑफ द कॉमन ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव ओसीडी आप बहुत जानते हैं, आई मीन अगर हम देखें कोविड के टाइम में तो पीपल हैव बिकम हाइजीन फ्री, एंड लोगों को सफाई का कीड़ा हो गया था एक तरह से अगर हम आसान भाषा में बोले तो, एंड लोग जो है काफी रिपीटेटिव वॉशिंग, रिपीटेटिव इस तरह की बिहेवियर डेवलप हो गई थी, दैट हैज लेटर ऑन लेड टू दी इलनेसेस ऑफ लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसा है दैट इज कैरेक्टराइज्ड ट्रोमेटिक इवेंट, एंड उस ट्रोमेटिक इवेंट के कारण जो हम एंग्जाइटी का एक सिंड्रोम जो सफर करता है इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी का कॉमन साइंस पहले हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम एक लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंग्जाइटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी को स्टेज फोबिया है हमारे में से, या किसी को हाइट से फियर लगता है, या किसी को पानी से डर लगता है, जैसे एगारोफोबिया हम बोलते हैं फियर ऑफ हाइट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एंग्जाइटी जो है तो हमेशा परसिस्ट करता। आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमारा मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे जो एंग्जाइटी वर्सेस टाइम का हम ग्राफ है, जब भी अगर हम पर्टिकुलर उस एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन से जब इंडिविजुअल वाकिफ होता है तब जाके ही वो एंग्जाइटी उसका चरम सीमा पर पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को हाइट से डर लगता है तो द मोमेंट अगर वो बंदा इज एक्सपोज टू हाइट उसका एंग्जाइटी बढ़ेगा, फिर से वापस जब वो हट जाएगा वहां से तो उसकी एंग्जाइटी सबसाइड हो जाती है। तो एंग्जाइटी जो होता है ऑल द टाइम परसिस्ट नहीं करता है, इट इज एपिसोडिक इन मैनर। और एंग्जाइटी में अगर हम देखें, अगर हम परफॉर्मेंस चार्ट अगर लेफ्ट साइड वाले जो रेड शेडेड एरिया अगर हम उसको देखें, तो जैसे हम छोटा सा अगर हम एंग्जाइटी बात करें, जैसे माइल्ड एंग्जाइटी होता है तो आदमी इनएक्टिव रहता है, थोड़ा सा और ज्यादा होगा तो फेटीग होता है, उससे ज्यादा होगा एग्जॉशन होगा, और उससे ज्यादा होता है तो ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बर्नआउट। जब आप देखते हैं कि आदमी चीखता है चिल्लाता है, या मूवीज वगैरह में दिखाते हैं लोग सामान को पटक देते हैं फेंक देते हैं, दे यूज टू स्क्रीम लाइक हेल, सो दिस इज अ साइन ऑफ एंग्जाइटी। और लास्टली आपने देखा होगा कि आई होप यू आर एबल टू फॉलो माई स्लाइड्स, नो द स्लाइड्स आई एम चेंजिंग, यस इट्स कंटिन्यू कैन कंटिन्यू या थैंक यू। तो लास्ट स्लाइड में आप देखे होंगे एक नेल बाइटिंग का पिक्चर है, नेल बाइटिंग इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंग्जाइटी। आप अगर देखें किसी में इंसान में या किसी बच्चे में तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि यह एक एंग्जाइटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इस तरह की फिजेटिंग अगर एटीट्यूड आप देखें, जैसे कोई 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 पेन के ऐसा ऐसा करते रहते हैं, या अगर आप देखे होंगे ऐसा ऐसा टेबल को बार बार नॉक करते हैं, या पैरों को हिलाना बार बार टैपिंग ऑफ देयर फुट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अभी नहीं बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओके, तो ये बहुत कॉमन सा चीज है जो हम दैनिक दिनचर्या में हम में से हर किसी को होता है, लेकिन वी डू एग्री। और कई बार हम देखते हैं ना एंग्जाइटी गलत खराब ही नहीं होता है, एंग्जाइटी कई बार अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस एंग्जाइटी एक बच्चे की एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं होगा एग्जाम के दौरान तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो एट टाइम्स हम देखते हैं इनकी एंग्जाइटी इज ऑल्सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर आप किसी सांप को देखते हैं और तुरंत आप एंग्जाइटी बढ़ता है और तुरंत आप सांप को देख के भागते हैं, तो दैट एंग्जाइटी इज गुड फॉर योर आई मीन फॉर ह्यूमन लाइफ, बिकॉज वो इंसान का लाइफ को बचाता है। तो एंग्जाइटी को हम हमेशा नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में नहीं देखें, एंग्जाइटी इज एट टाइम्स गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। इट इज जस्ट लाइक अ हेमोग्लोबिन, कि अगर 6 to 12 लेवल है हेमोग्लोबिन का तो 6 से कम भी गड़बड़ है, और 12 से ज्यादा भी अगर होम्योग्लोबिन है तो गड़बड़ है। तो एंग्जाइटी जो है द मोमेंट इट क्रॉसेस द विजिलेंट लेवल इट बिकम्स डिसफंक्शनल। तो एंग्जाइटी इज गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। सेकेंड हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग डिप्रेशन पे। डिप्रेशन जहां तक कि मुझे लगता है कि बहुत कॉमन सा एक टर्मिनोलॉजी है जो हम में से हर कोई बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड, डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस,
हम जैसे बोलते हैं बहुत प्राय तौर पे कि हम डिप्रेशन में हैं या हम डिप्रेस्ड हो गए हैं या आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बट डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। और डिप्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ डिस्पोनेंसी ऑफ मूड एंड सैडनेस, मतलब परसिस्टेंट एंड परवेसिव जो सैडनेस ऑफ मूड होता है दैट इज डिप्रेशन। और राइट हैंड साइड में एक मैंने डेटा दिया है, ये एक साल का डेटा है, अप्रैल 2020 से लेके 2021 तक का डेटा था, आईपीएस जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया था, कि 20% इंक्रीज जो हुआ था वो ओवरऑल मेंटल इलनेस में हुआ था इन इंडिया कोविड टाइम्स में, कोविड टाइम्स में। और प्रत्येक मतलब देख सकते हैं कि वन इन फाइव इंडियन सफर फ्रॉम इट, ये इंडियन डेटा है। मैंने जो बोला था वो लास्ट टाइम वन आउट ऑफ फोर, ये वो ग्लोबल डेटा था जो प्रेविलेंस था मेंटल हेल्थ का। ये अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन इंडिया वन इन फाइव इंडियंस इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इज सफरिंग फ्रॉम अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल मेंटल इलनेस। और डिप्रेस मूड अगर हम सिम्टम्स देखें तो दीज आर वेरी कॉमन, आई मीन फीलिंग ऑफ लो सैड, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज एंड लीजर एक्टिविटीज, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गिल्ट फीलिंग आते हैं, एंड दिस नेगेटिव एंड गिल्ट फीलिंग लीड्स टू द टेंडेंसी ऑफ, आई मीन द कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज अ फीलिंग ऑफ सुसाइडल इंटेंट या सुसाइडल अटेम्प्ट का। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशन को हम समझते हैं कि कैसे उसमें, जैसे डिप्रेशन अगर मेजर सिम्टम्स देखें तो तीन मेजर सिम्टम्स होते हैं, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, इमेजिन देर इज एक लोहे का पिंजरा है, ठीक है, एंड वो आई मीन लोहे का केज है जाली वाला, एंड बाहर से हम अंदर बाहर देख सकते हैं, और उसमें एक डॉग है, और उसमें एक ही एक गेट है, एक ही स्केप स्केप करने का एक ही गेट है। और इमेजिन कीजिए कि अगर एक डॉग उस पिंजरे में है तो उस डॉग की क्या टेंडेंसी होगी। मैं पूछ रहा, कोई एक बोल सकते हैं कि अगर उस पिंजरे में डॉग है तो डॉग की टेंडेंसी क्या होगी, निकलने की टेंडेंसी होगी। लेकिन हम एक 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 इन्होंने ये किया, जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि जब भी वो डॉग निकलने का कोशिश कर रहा था, उसके इलेक्ट्रिक केज में हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक वायर लगा के इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई कर दिया, तो द मोमेंट एवरी टाइम जो है व्हेन द डॉग ट्राइड टू स्केप फ्रॉम द दैट आई मीन मेटल केज, ही फील अ शॉक। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, चार बार ट्राई किया, और वो निकलने के लिए जब भी कोशिश किया उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद कि हमने क्या देखा कि डॉग हैज लर्न अ बिहेवियर, जब हमने गेट को खोल दिया तब भी हमने क्या देखा कि डॉग इज नॉट ट्राइंग, नॉट आई मीन डॉग इज नॉट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट केज। वो इसीलिए हुआ क्योंकि डॉग हैज लर्न दैट बिहेवियर, डॉग हैज लर्न दैट बिहेवियर कि जब जब वो ही वॉज ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम द केज ही यूज टू फील अ शॉक, और ये उसकी क्या थी, लर्न्ड बिहेवियर थी। सिमिलरली मैं इसलिए एग्जांपल दिया, सिमिलरली इसको हम लर्न्ड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, सिमिलरली डिप्रेशन में ही होता है कि जब निरंतर एक बार दो बार तीन बार चार बार द पर्सन फेसेस फेलियर्स एंड डिप्रेशन में जब आदमी चला जाता है, जब वो बार बार कोशिश करता है निकलने का, पहले ऐसा नहीं है कि हर डिप्रेस्ड इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है या कमिट सुसाइड करता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही और शी ट्राइज टू ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन जब चीजें बियॉन्ड द लिमिट चली जाती हैं, देर इज नो वन टू लिसन टू हिम और हर, उसका सपोर्ट सिस्टम इतना वीक हो जाता है, तब जाके वो पर्सन ठीक वो पिंजरे के उस डॉग की तरह है, उस एग्जाम्पल से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि जहां पे उसने बहुत ट्राई किया लेकिन वो निकल नहीं पाया, लास्ट में हेल्प रहता भी है तब भी वो नहीं निकल पाता है। तो सिमिलरली ये डिप्रेशन में ऐसा ही कुछ होता है, एंड देन फाइनली जो है पर्सन ट्राइज टू कमिट सुसाइड, और जो लास्ट जो कोई उपाय नहीं दिखता है तो वो उस तरह का स्टेप लेते हैं। सो सिमिलरली इज द कंडीशन ऑफ अ पर्सन इन डिप्रेशन, इसको स्किप कर देते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव और सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन पे। आई होप कि ये आप सभी जानते हैं,
इसमें जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम में हम मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे, हैंड वॉश यूज करते थे। इवन इवन आज के डेट में वी डू टेक बाथ एवरी डे, वी ब्रश आवर टीथ, है ना, वी कट आवर नेल्स, वी गो फॉर हेयर कट, वी यूज शैम्पू। तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम क्यों करते हैं? ताकि हमें कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए या हम हाइजीन को मेंटेन कर पाए। तो किसी भी बीमारी को अगर हम उसके इलनेस के अकरेंस को अगर हम ये करते हैं, डिक्रीज करते हैं, आई मीन रिड्यूसिंग द अकरेंस चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इलनेस इज प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, ये मैं हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीमार पड़ गया कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीमार पड़ गया, मुझे फीवर हो गया, फीवर इज नॉट अ इलनेस, फीवर इज अ सिम्टम, मुझे फीवर हो गया, डेंगू हुआ, तो हमारी क्या टेंडेंसी होती है? हमारी ये टेंडेंसी होती है कि उस बीमारी को हम एसिम्टोमेटिक करें, जो बीमारी हमारा हुआ वो जल्द से जल्द सिम्टम्स खत्म हो और जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं, है ना। तो वो चीज होता है, वो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें रिड्यूसिंग दी एक्सटेंट ऑफ द एनी इलनेसेस, वो होता सेकेंडरी। और टर्शरी, जब मान लीजिए कोई फुल फ्लेजेड बीमारी हो गया, तब हमारा क्या टेंडेंसी रहता है कि हम उस बीमारी को फर्दर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होने से हम रोकें। दैट इज प्रिवेंटिंग एनी फुल फ्लेजेड इलनेस इन टर्निंग इनटू इन एनी सॉर्ट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इज टर्शरी प्रिवेंशन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। सिमिलरली जो है, हम मेंटल हेल्थ में भी ऐसा ही कुछ करते हैं। आई मीन जैसे हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, वी डू स्पेंड टाइम फॉर लीजर एक्टिविटीज, सो दीज ऑल आर प्राइमरी प्रिवेंशन। और अगर किसी को एंग्जाइटी होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, अगर माइल्ड मॉडरेट या माइल्ड, तो हम उस बच्चे को या फिर हम में से कोई इंडिविजुअल भी हम काउंसिलिंग लेते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी। और जब मान लीजिए कोई इलनेसेस हो जाता है, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन या ये, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो फर्दर जो है एक्सटेंड ना हो इलनेस, ताकि वो परमानेंट डिसेबिलिटी में न टर्न कर पा जाए, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस के लिए भी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं यूस्ट्रेस, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3। एंड नेगेटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं डिस्ट्रेस। मनीष जी, फिर आपका स्लाइड वहीं रुक गया है। अच्छा, ओके ओके, एक सेकंड, अभी आई होप दिख रही होगा सर। आपको बात करते करते स्लाइड आगे करना पड़ेगा जी। जी, मैं सर आगे कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, तो मैं ठीक स्लाइड्स है, चलिए वाले चाहिए कंटिन्यू कर करें, जी। कंटिन्यू करें। तो स्ट्रेस जो होता है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि इट इज अ वेरी ऑटोमेटिक एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स। और स्ट्रेस जो होता है, हम एक चीज हम बोलेंगे, स्ट्रेस इज इनएविटेबल। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेस से हम फाइट जरूर कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो अभी दिख रही है मेरी नेक्स्ट स्लाइड जी, जी। स्ट्रेस पे हैं आप, हाँ, स्ट्रेस से तो आगे। जी, स्ट्रेस के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जो हम बात करते हैं। हम में से हर किसी को स्ट्रेस होता है, और कॉमन सिम्टम्स स्ट्रेस के हैं, मुझे लगता है आप में से हर कोई ऐसा है जिसने नर्वसनेस फील किया होगा, इंक्रीज पल्पिटेशन, जो दिल के धड़कन तेज हो जाते हैं, घबराहट, हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाना इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। इंसोमनिया, नींद का चला जाना या मसल स्टिफनेस होना इज अ साइन ऑफ इलनेस, है ना। एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, और यहाँ तक कि अगर आप स्ट्रेस के कारण जो है वॉमिटिंग भी होता है, स्ट्रेस के कारण लोगों को पेट की बीमारियां भी होती है। देर इज अ वेरी फेमस एक इलनेस है, इट इज अ बेसिकली सिंड्रोम, IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, आप गूगल IBS। कर सकते हैं, आप पढ़िएगा कभी फ्री होके, तो दैट इज अ मेजर साइन ऑफ स्ट्रेस। तो फिजिकल में ये आ गया, मेंटल में अगर हम देखें तो कॉग्निटिव फंक्शन हमारा बेसिकली इफेक्ट हो जाता है, दैट इज बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन और इफेक्ट होता है, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत हद तक इफेक्ट हो जाता है, देर इज लॉट ऑफ रेसिंग थॉट्स एंड आइडियाज आ जाते हैं बहुत सारे, और सेंस ऑफ ह्यूमर कम हो जाता है। इमोशनली अगर हम देखें तो नर्वसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, वरी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये सारी चीजें हैं। और बिहेवियर के बारे में जो मैंने बताया था, फिजिटिंग वगैरह, जैसे जो स्टीरियोटाइपिक बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, वो आता है। सो दीज, जैसे नेल बाइटिंग मैंने फोटो दिखाया, तो दैट इज अ मेजर, आई मीन दैट इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रेस, साइन ऑफ एंग्जाइटी, साइन ऑफ अ
सम सॉर्ट ऑफ वरी। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अगर हम बात करें तो जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर हम फिजिकली देखें तो स्ट्रेस जो होता है लॉट ऑफ नॉइज से होता है, लाइट से होता है, या ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स अगर हम देखें तो उसके कारण भी स्ट्रेसेस आते हैं। सोशल इसके भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे डेथ हो गया, लॉस ऑफ जॉब हो गया, है ना, या सडनली चेंज इन द रोल। जैसे अगर आप देखेंगे कोई भी लेडी अगर व्हेन शी टर्न्स टू बी अ मदर, शी अगेन हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस। और मदर्स में बहुत कॉमन भी होता है प्रेगनेंसी के बाद, डेट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन हम इसको बोलते हैं। डेट इज अ वेरी कॉमन आई मीन सिंड्रोम डेट अ मदर सफर्स, आई मीन न्यूली मदर। और इंटरनल फैक्टर्स अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं, जैसे कैफीन वगैरह का ज्यादा इंटेक होना, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, और माइंड ट्रैप्स में जैसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ गए। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पाल लूं दिमाग में कि मुझे एक मतलब एक बहुत बड़ा नेता बनना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनना चाहते हैं, सो फॉर मी हो सकता है कि इट इज अ काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट कैन कॉज स्ट्रेस टू मी। तो कॉमन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, हेल्प सीकिंग बिहेवियर होना चाहिए, और वी कैन प्रैक्टिस इमोशनल फर्स्ट एड। जैसे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, WHO ने रिकमेंड किया है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आई मीन मैनेजिंग आवर डे टू डे स्ट्रेस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कि आई वुड सजेस्ट कि जैसे कंज्यूमिंग, जैसे आई मीन जैसे हम ये कर सकते हैं, आई मीन जैसे कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि दूसरे का लाइफ ज्यादा अच्छा है, उनकी जॉब ज्यादा अच्छी है, तो हमेशा ऐसा हमें लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हमेशा हमेशा ये लगता है। तो हमें इस चीज को थोड़ा लिमिट करना होता है। देन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। जैसे अगर हम कॉमनली देखें जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी, तो जब सैलरी नया आता है मंथ के स्टार्टिंग में तो दे आर वेरी जॉली, दे आर वेरी हैप्पी, एंड लेटर ऑन जो होता है दे एट द आई मीन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मंथ दे सफर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ये भी है कि अगर हम मैनेज अपने लाइफ को नहीं करें, लाइफस्टाइल मैनेज या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करें, तो वी मे सफर स्ट्रेस, वी मे सफर फ्रॉम स्ट्रेस। हाँ, वेज टू मास्टर स्ट्रेस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो द कॉमन जो टेक्निक्स हैं टू मास्टर स्ट्रेस इज आई वुड से, जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि डार्क चॉकलेट जो होता है हम में से हर किसी इंसान को एटलीस्ट वीक में एक बार खाना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा, बिकॉज डार्क चॉकलेट्स में जो कोकोआ कंटेंट, जो कोकोआ एनरिच चॉकलेट्स होते हैं, वो वाकई में मदद करता है हमारे न्यूरो मॉड्यूलेटरी जो ट्रैक्ट होता है, जो फंक्शंस होता है उसको अफेक्ट करता है न्यूरोजेनेसिस को, और जो ब्लड फ्लो का जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। और दिस कॉजेज मतलब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड इनटू टू द ब्रेन, एंड दिस लीड्स इन आई मीन डिक्रीजिंग द स्ट्रेस। तो ये एक एक अच्छा टेक्निक है। उसके अलावे है डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, और वो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है, आई मीन प्लेइंग गेम्स आल्सो, प्लेइंग बैडमिंटन आल्सो। उससे होता क्या है ना, एंडोर्फिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में। एंडोर्फिन इज आल्सो काइंड ऑफ, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, और वो एंडोर्फिन के रिलीज होने से अ पर्सन फील्स हैप्पी। और एंडोर्फिन रिलीज होने से जो हमारा जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो है हमारा सब बर्स्ट आउट होता है, ठीक है। अभी एक रिसेंट स्टडी में ये भी देखा गया था, एक ADHD जर्नल मैंने पढ़ा था, कि जो जंक फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, पिज्जा, बर्गर और तरह तरह की जो ये खास करके जो फ्रेंच फ्राइज है, जो हाईली प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं, वो बहुत गड़बड़ है हमारे आई मीन मेंटल हेल्थ के लिए। बेसिकली जो हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे ब्रेन तो हमारा क्या है, सारा अगर ब्रेन में हम देखें तो न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स मतलब सारा इलेक्ट्रिक करंट पे मैसेजेस जो है ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन पे। तो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, उसमें जो
अगर उसके लेवल्स जब ऊपर नीचे होते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में जो बोला था कि दिमाग में केमिकल लोचा, एंड दिस वाज दैट केमिकल लोचा। न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात करते हैं, जो विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो हमारा लेवल अप डाउन होता है, इस वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो ये देखा गया है कि जंक फूड का इंटेक जिनमें ज्यादा होता है उनको ज्यादा मेंटल हेल्थ स्ट्रेस होता है, ज्यादा मेंटल हेल्थ एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले ज्यादा इश्यूज होते हैं। सो दीज आर सर्टन टेक्निक्स की जिससे हम अपने डेली टू डेली लाइफ में स्ट्रेस को मास्टर कर सकते हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, जैसे कि आई के नॉट बी अ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ। सेकेंड इज रीफ्रेमिंग। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे कई बार देखते हैं, जैसे ये आपने कॉमन सा एग्जाम्पल सुना होगा कि ग्लास इज हाफ फिल्ड एंड ग्लास इज हाफ एम्प्टी। ये तो चलो बहुत पुराना हो गया है। एक मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे कई बार मैंने एक अपने फ्रेंड में ही देखा था कि एक फ्रेंड था मेरा जो उसने बोला कि अरे यार मेरे पास तो यही गाड़ी है, या मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते, मेरे पास देखो मेरे पास तो बस यही मोबाइल फोन है यार, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है। और एक तरीका होता बोलने का कि बस देखो मेरे पास ये फोन है, मतलब चीज हम यही बोल रहे हैं, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। मेरे पास तो यही फोन है, मतलब वेयर वी आर काइंड ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग आवर सेल्स, हम अपने आप को इंफीरियर दिखा रहे हैं, और एक जगह हम बोल रहे हैं मेरे पास ये फोन है, वेयर वी आर ट्राइंग टू कि हाँ हम सेल्फ कंटेंटेड है। तो इसी तरह से आई मीन कि हम चीजों को ना रिफ्रेम करके देखें। सो रिफ्रेमिंग इज अनदर टेक्निक ऑफ आई मीन अंडरस्टैंडिंग आई मीन द वेज टू ओवरकम स्ट्रेस। ओके, उसके बाद है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे हम भारत देश में देखते हैं कि मेजर जो स्ट्रेस का हमारा सोर्स होता है वो बिलीफ सिस्टम होता है। और बिलीफ सिस्टम ऐसा देखा गया, जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया तो स्ट्रेस हो गया, या बाई आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा, या दाहिना आंख फड़क रहा है तो कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह की चीजों जो है ना, बिलीफ सिस्टम भी हमारे हद आई मीन बहुत हद तक ये अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट करता है हमारे हमारे ह्यूमन लाइफ में, हमारे जीवन में। उसके बाद मैं बोल वेंटिलेशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट वे ऑफ आई मीन टू मास्टर स्ट्रेस। बिकॉज देखिए, थ्री इडियट्स में भी बोला था एक मूवी में, आमिर खान ने बोला था कि ये दिमाग जो है ना हमारा प्रेशर कुकर नहीं है, मतलब ये दिमाग, जैसे उसने बोला था ना कि ये साइंटिस्ट भी बड़े चालाक हैं कि ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बनाई जो दिमाग का प्रेशर मेजर कर सके, एंड दैट इज ट्रू। कि इसीलिए बोला जाता है कि समवेयर इट हैज टू कम आउट। देखिए, एवरीबडी हैज स्ट्रेस, एवरीबडी हैज लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, लाइफ के टेंशन है, वर्क प्लेस टेंशन है, बट इट इज सेड कि समवेयर इट हैज टू कम आउट, एंड दैट इज वाई वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। एंड वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर सोशल सपोर्ट सिस्टम, सोशल कैपिटल जिसकी हम बात करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोविड के दौरान लोगों को पता चला कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। बहुत लोग जो लॉकडाउन में अकेले फंस गए, जो अकेले रह गए क्वारंटीन सेंटर में, या अकेले फंस गए कहीं भी अलग दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में, उस टाइम में लोगों को पता चला कि व्हाट इज द रोल ऑफ सपोर्ट सिस्टम, फैमिली का, सोसाइटी का। अगर हम फैमिली ही की बात करें, प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम, तो सिर्फ प्राइमरी तक ही आदमी लिमिट नहीं रह सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द सोसाइटी, सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम, टर्शियरी सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, वी हैव बेटर अंडरस्टूड इन दैट कोविड एरा। सो वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग आवर सपोर्ट सिस्टम टू ओवरकम दी स्ट्रेस एंड टू प्रोमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ अमंग ऑल द एज ग्रुप्स, नॉट इवन द पीयर्स बट इन ऑल द एज ग्रुप्स। देन डाइवर्सन एंड डिस्ट्रैक्शन। डाइवर्सन एंड डिस्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू टेक ब्रेक्स, वी नीड टू फोकस, प्रायोरिटाइज आवर ओन मेंटल हेल्थ। बट आई मीन वेरी सॉरी टू से, एक वेबिनार में, एक सॉरी एक इन पर्सन सेमिनार था, उसमें हम लोग गए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो आप जॉब से ब्रेक लें एंड देन यू स्पेंड टाइम, प्रायोरिटाइज टाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ। लेकिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम देखें, इंडिया में उतना भी ज्यादा मेंटल हेल्थ अभी रिकॉग्निशन में नहीं है। अगर आप सेल्फ केयर की बात करें, ज्यादा छुट्टियों लेने की बात करें अपने ब्रेक लेने के लिए, तो
in India, in country like India, it comes on the verge of losing their job, which is again a very disappointing factor. सो आई होप इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगा, और आगे अगर कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जी प्लीज फील फ्री टू थैंक यू मनीष जी, आप प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए तो सब लोग स्क्रीन पे आ जाएंगे जी जी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने सारी बातें बताई है, ये वास्तविकता भी है हमारे देश में, कभी मानसिक स्वास्थ्य पे ना तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये एक बड़ी समस्या भी होती है कि एक्सेप्टेंस नहीं होता तो हम इलाज नहीं करते हैं कराते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया, डॉक्टर गरिमा ने हैंड रेज किया, कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं मनीष जी से। डॉक्टर लक्ष्मण ओवर टू यू। लक्ष्मण सर, गरिमा मैम अपना प्रश्न रखें आप जी। डॉक्टर गरिमा आपने हैंड रेज किया था, और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज तो। हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट, आई थिंक माइक हमने बंद किया हुआ है इस वजह से नहीं आ रहा था। अब देखिए माइक अनम्यूट हो रहा आपका। नो 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 सर, करीमा मैडम का मैसेज है नहीं। हाँ मैं अभी करता हूँ शेयर स्क्रीन है, टर्न ऑन माइक्रो जी, अब हो जाएगा, आप कर लीजिए, वीडियो भी चालू कर दीजिए। गरिमा मैडम आप माइक अनम्यूट करें अपना जी। हाँ जी सर, हो गया, थैंक यू सो मच। मनीष जी, आपने तो बहुत अच्छा सेमिनार लिया, रियली अप्रिशिएट। मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत जरूरी है आजकल, और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो इट्स अ रियली गुड टॉपिक एंड यू हैव प्रेजेंटेड इट रियली वेल। मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी रिसेंटली कुछ हुआ है, और आप लोगों से, यहाँ पे सब लोग इतने सारे लोग हैं अलग अलग फील्ड से, तो मैं उसमें थोड़ा पूछना चाहूंगी। और एक थोड़ा सा मेंटल हेल्थ में ये बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग एक्चुअली, पहले बात तो बड़ों में ही हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को, तो बच्चों में करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत ही ज्यादा ये टैबू टॉपिक माना जाता है। एक्चुअली कोई भी इसके बारे में बात करना, मतलब ट्रीटमेंट लेना तो दूर की बात है, पहले लोग बात करें, अवेयर हुए, और उसको 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 रिकग्नाइज करें कि हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए, वो अवेयरनेस ही नहीं है। और ये चीजें अगर आप बच्चों में देखें तो बहुत ज्यादा है, ये चीजें बच्चों में अभी भी नहीं आई है। और उसके बाद में मैं अभी रिसेंटली एक उसमें गई थी, मतलब अवेयरनेस कैंपेन में गई थी, जो स्पेशल बच्चों के लिए था। तो आप लोग, मतलब जैसे आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये बच्चे थोड़े से स्पेशल थे, एडीएचडी था, ऑटिज्म था, डाउन सिंड्रोम था, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स थे, सेरेब्रल पॉल्सी थी। तो इन सब बच्चों में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, इनमें प्रेवलेंस एज कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो मैं वहां पे जब प्रेजेंट कर रही थी तो मुझे दो या तीन केसेस पता चले जिसमें कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया ये बोल करके कि पागल बच्चा तुमने पैदा किया है, इसलिए आई वाज रियली शॉक टू हियर दैट। बट ये हाँ, दो, एक तो काफी एजुकेटेड फीमेल थी और उनको डिवोर्स दे दिया गया ये बोल करके कि तुमने पागल बच्चा पैदा किया है इसलिए हम नहीं करेंगे। और एक दूसरी मम्मी थी जिसके दो बच्चे थे, पहला बच्चा ऑटिस्टिक था और दूसरी लड़की थी, तो ये बोल करके कि पहले पागल बच्चा पैदा किया, दूसरी लड़की पैदा कर दी, तो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। सो शी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, नॉट ओनली मेंटली बट ऑल्सो फाइनेंशियली, बिकॉज शी इज नॉट एबल टू डू दे। तो मैं यहाँ पे, मतलब क्योंकि मैं अभी बहुत रिसेंटली इंडिया वापस लौट के आई हूँ, सो सारे लॉज एंड रेगुलेशन से मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप डिवोर्स कर रहे हो और उनसे कॉम्पनसेशन वगैरह मांग रहे हो, आई एम श्योर कि उन्होंने डिवोर्स फाइल करते वक्त ये रीजन नहीं दिया होगा कि क्यों डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, बट इसके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? मतलब आप, मतलब उनको, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं और इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो इनका खर्चा भी ज्यादा होता है, तो हम कुछ कुछ सेपरेट, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं क्या इन बच्चों के लिए? ऑब्वियसली मैडम, थैंक यू ये केस डिस्कशन करने के लिए। इसमें तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर हम बात करें फॉर द राइट्स ऑफ अस, डिसेबिलिटी राइट्स पर अगर मैं बात करूं, तो
नो डिवोर्स जो है इस ग्राउंड पे होना चाहिए, वो उन्होंने ऐसा फाइल किया, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज टू हियर दिस, बट इस ग्राउंड पे डिवोर्स तो तभी होता है अगर यस अगर आइदर ऑफ द स्पाउस में इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ क्रोनिक इलनेस इन विच द ड्यूरेशन इज मोर देन 5 ईयर्स आई गेस, ओके, और सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है, या एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, HIV/AIDS, और एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस इन आइदर ऑफ द स्पाउस, तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं. बट बेस्ड ऑन दी कि बच्चा अगर डिसेबल्ड है, और अगर डिसेबल्ड बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि आई गेस कि हस्बैंड इज ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल और वाइफ इज ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल. बिल्कुल आप जो बेबी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज रिसर्च सजेस्ट कि इफ यू आर प्लानिंग ए बेबी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, तो चांसेस ऐसे होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बर्थ अगर इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस अगर होता है, तो फॉर एग्जाम्पल, तो उस कारण से अगर बच्चे को कुछ अगर कोई कोई ऐसी पर्टिकुलर इलनेसेस है, तो वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड पैदा हो सकता है, विल कैन हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आप बोल रहे, डाउन सिंड्रोम या MR हो सकता है, चांसेस आर देयर. तो पहला तो है कि 35 के बाद जो है मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो वी नीड टू एक्सप्लोर अवर दिस, एंड ऑल्सो वी नीड, ये बेसिकली मैं यहाँ फिर ये एक बात बोलूंगा, यहाँ पे एक कॉम्बो अप्रोच है. एक तो है स्टिग्मा का, देयर इज डेफिनेटली समवेयर एसोसिएटेड स्टिग्मा टू मेंटल इलनेस, आखिर वो बच्चा भी तो आपका बच्चा है, व्हाट इज द डिफरेंस इफ इट इज पर्टिकुलर स्पेशल चाइल्ड, एंड ऑन दैट ग्राउंड यू आर समवेयर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ योर वाइफ ऑल्सो, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ द चाइल्ड, कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं. बट यस, रिसेंटली आई वुड से कि कुछ कुछ सर्टेन चेंजेस अभी आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, पहले के जमाने में मेंटल हेल्थ मेंटल हॉस्पिटल नाम होता था, अब उन्होंने चेंज कर दिया है मेंटल हेल्थ सेंटर्स. पहले मैं देखा जाता था कि मैं हर चीजों के लिए हेल्थ इंश्योरेंसेस होती थी, लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड टू से दिस कि मेंटल इलनेसेस के लिए कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करती थी, बट अब देर आर चांसेस, देर आर फ्यू कंपनीज दैट ऑफर्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द मेंटल इलनेस एज वेल. एंड एक और चीज है, जैसे इसमें मैंने देखा था, अभी गवर्नमेंट का भी काफी प्रमोशन चल रहा है, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में भी DMHP भी चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. तो आई वुड से कि इस केस में पर्टिकुलरली अगर हम थोड़ा सा एडवोकेसी को अगर इन्वॉल्व करें, तो वी कैन प्रिवेंट दिस डिवोर्स, स्पेशली ऑन दिस ग्राउंड. अगर कोई और ग्राउंड अगर उन्होंने प्रूफ कर देते हैं, कंपैटिबिलिटी या म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंट के, तो दैट डिवोर्स कैन हैपन. बट अगर होल सोल अगर हम इस ग्राउंड पे करें, तो अगर एक पिटिशन दिया जाए, तो दिस डिवोर्स कैन बी प्रिवेंटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक वॉयलेशन ऑफ राइट्स है ऑफ अ डिसेबल्ड इंडिविजुअल, ऑफ अ जी डिसेबल्ड चाइल्ड. डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें, शॉर्ट में पहले थोड़ा रखेंगे, सबके प्रश्न ले लेंगे. तो म्यूट हुआ था ना, आपने म्यूट कर दिया, इसलिए नहीं रेस्पॉन्स किया। नहीं, कोई बात नहीं सर, नमस्ते, अभी करिए जी. मुनीर जी, आई एम लक्ष्मण मलागार, चेयरपर्सन CWC, त्रिपुरा का बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। एक्चुअली यू हैव मेंशन द आउट ऑफ फोर वन ऑफ वन मे बी द मेंटल सफरिंग इंडिविजुअल, एंड यू हैव टोल्ड ऑल्सो देयर शुड बी द प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। माई माई क्वेश्चन इज वेदर द मेंटल डिजीज हेरिडिटरी और नेक्स्ट, इफ इट इज नोन बाई द पर्सन कंसर्न बाई द डॉक्टर ए मैन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीजेस, वेदर हिज डॉटर सन विल बी मेंटल पेशेंट और नॉट, वेदर आफ्टर नोइंग द फैक्ट द बींग ए मेंटल पेशेंट इफ ए चाइल्ड टू बर्थ, whether it may be prevented during the pregnancy or not, just after the birth joint. Here, I like to request also Dr. Gauri Madam in this respect to response, please. And whether it is instinctive or not, please. या, तो थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन, एंड दैट इज रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो आई वुड से कि यस, मेंटल इलनेसेस आर जेनेटिकल, आर हेरिडिटरी, एंड इट कैन ट्रांसफर्ड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ओके,
सो जैसा कि अगर हम देखे हैं, अगर इवन एक स्कीजोफ्रेनोजेनिक मॉडल है, स्कीजोफ्रेनिक जनक मॉडल अगर आप देखें तो उसमें देखा गया है कि अगर पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स, अगर मदर और फादर दोनों अगर इस मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं या स्किजोफ्रेनिक इलनेस या कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो उनके बच्चों में 20 times दे आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ अगर हम सुसाइड देखें तो आप कुछ ऐसे केसेस, जैसे मैक्सिमम मेजर सुसाइड, जैसे मान लीजिए अगर कुछ साइको सोशल रीजन से हो रहे हैं तो उस तरह के सुसाइड तो मतलब जेनेटिकल या हेरिडेटरी नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की डिवोर्स हो गई या किसी की लॉस ऑफ जॉब हो गई, सडन फाइनेंशियल ड्रॉप डाउन हो गया, तो उस केसेस में वो वाले डिवोर्स से किसी को आता है सुसाइडल थॉट्स, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में आप देखे होंगे कि फैमिली रनिंग आउट ऑफ सुसाइड का जो केसेस होता है, किसी के अगर ने दादा ने किया सुसाइड तो उसके बेटे ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके पोते ने भी किया, तो आई वुड से कि सुसाइड मेंटल इलनेस इज ऑल्सो जेनेटिकल, इट ऑल्सो मतलब इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सिमिलर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में भी एक कॉमन चीज देखी गई है कि जिसकी फैमिली में, ऐसे आप सोशली भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कम्युनिटी, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें ड्रिंकिंग बिहेवियर, स्मोकिंग बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो एज अ पार्ट ऑफ सोशल मान सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली भी देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स अगर ड्रग एडिक्ट रहे हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन रहा है, तो उनके ऑफिस स्प्रिंग्स में भी अल्कोहल का होता है। और साथ ही मैं लास्टली एक और पॉइंट ऐड करूंगा, इवन दो बिहेवियर्स आर ऑल्सो आई मीन जेनेटिकल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मैंने देखा है बिहेवियर्स भी बहुत, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर्स, इवन जो पर्सनालिटी की जो साइकोलॉजिकल मेकअप होती है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस की जो पैकेज जो बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो भी जेनेटिकल है सर। और यस, आपका सेकेंड पार्ट जो था क्वेश्चन का, उसका मेरा ये आंसर होगा कि यस इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू मल्टीपल फैक्टर्स, और उस मल्टीपल फैक्टर्स में आते हैं कि आपके पेरेंटिंग, अगर आप देखेंगे कि जो पेरेंटिंग पहले हमारे पेरेंट्स को जो पेरेंटिंग मिली थी और हमें जो पेरेंटिंग मिली और जो आज के बच्चों को पेरेंटिंग स्टाइल मिल रही है, तो आप देखेंगे उन डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स में बिहेवियर्स भी, नए बिहेवियर्स डेवलप करते हैं, और उसमें बहुत सारा मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, फैमिली सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, एंड द पेरेंटिंग ऑल्सो प्लेज। तो अगर हम पेरेंटिंग को थोड़ा हम ध्यान दें, मतलब अथॉरिटेटिव पेरेंट ना हो करके हम थोड़ा फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग अगर हम यूज करें, तो डैट कैन लीड टू बेटर आई मीन प्रिवेंशन ऑफ सच काइंड ऑफ मेंटल इलनेस एंड मेंटल हेल्थ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ब्रिजेश जी अपनी बात रखें, ब्रिजेश जी ने हैंड रेज किया था। मैं सिवान से हूँ और एक चेयरपर्सन सीडब्ल्यू से। गरिमा मैडम ने एक बोला था कि पागल बच्चा पैदा किया और तलाक से संबंधित, तो कोई भी न्यायालय बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के तलाक ग्रांट नहीं करता है। पागल बच्चा पैदा हुआ प्री एग्जिस्टिंग है, बिना एक्सपर्ट का ओपिनियन आए नहीं हो सकता है और ये तलाक का ग्राउंड नहीं होगा। कुछ सर, और बात हो सकती है? हाँ नहीं सर, तलाक का ग्राउंड तो अगर आप देखा जाए देखें तो यही होता है, लेकिन जब वो तलाक फाइल करते हैं तो उसमें ये ग्राउंड नहीं बोलेंगे सर। वो ऑब्वियस सी बात है, उनको भी पता है कि वो इस ग्राउंड पे अगर कोशिश करेंगे डिवोर्स लेने की तो उनको कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो बेसिक ग्राउंड तो यही है कि नहीं, अब ये पागल बच्चे के साथ हम नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ वो फिर और किसी किसी और रीजन को साइट करके वो कह सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भाई ऐसे बच्चों को आप जो नॉर्मल कोर्ट जो भरण पोषण देती है वो अलग चीज है, बट इनको क्या आप ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी कैन वी गेट एनीथिंग डिफरेंट और इन एडिशनल फॉर दीज काइंड ऑफ किड, बिकॉज दीज आर स्पेशल किड एंड दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट के रूप में बच्चा ट्रीट होगा और उसके लिए इंटरडिसिप्लिनरी व्यवस्था बना हुआ है। ये अलग चीज है कि हम एडवोकेट, हम जजेज कितना उसको लागू करवा पाते हैं, सिस्टम बना हुआ है। अच्छा सिस्टम है, वही मैं पूछ रही थी, हाँ क्योंकि वो लोग, वो मम्मी तो वो स्पेशल स्कूल में हम जाते हैं तो उनसे बात करी, तो वो तो बच्चे को स्पेशल स्कूल भी नहीं भेज रही है क्योंकि वो ये बोल रही है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है भेजने के लिए।
अवेयरनेस की जरूरत है, हमको भी अवेयरनेस की जरूरत है। ग्राउंड लेवल पे चीजें अभी पूरी तरीके से उतर के नहीं आई हैं, लेकिन है व्यवस्था जी। इसमें आप सीडब्ल्यूसी का मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि सीडब्ल्यूसी भी उस जिले में इन सारी चीजों के लिए काम करती है, मल्टीडिसिप्लिनरी जो भी काम होते हैं। हाँ जी जी ठीक है, थैंक यू। और इसके लिए मेंटल हेल्थ एक्ट भी बना हुआ है, मतलब अगर आप देखेंगे तो पूरा एक्ट बना हुआ है जो इन सारी चीजों पे बात करता है। और मधु दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो बच्चों के इलाज के लिए अपन फैमिली कोर्ट में भी केस लगा सकते हैं, यदि मदर नहीं ध्यान दे रही है तो फादर उसको लगा सकता है, फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि इसका यहाँ पर इलाज कराया जाए। मेरे एक रिलेटिव का रायपुर में चल रहा है सर ये केस। तो मतलब हर जिले में इसके लिए बोर्ड भी बनाया गया, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें बोर्ड भी बनाया हुआ है, मेडिकल बोर्ड है सर जी जी, वहाँ पर वो मिलता है सर्टिफिकेट, उसके आधार पर वो केस लग जाता है सर कोर्ट में। और ये तो एक मोरल और एथिकल ड्यूटी भी है दोनों गार्जियन की, दोनों पेरेंट की, कि उस बच्चे के चाइल्ड रियरिंग हो ही नहीं सकता, जैसा कि सर ने बोला कि देयर मस्ट बी सम एसोसिएटेड अदर रीजंस। जी सर जी जी। और कुछ प्रश्न है हम ले सकते हैं, नहीं तो मनीष मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक अच्छा मतलब ये टू एंड इट ऑन अ गुड नोट, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये बच्चा है जिसके फादर ने मतलब दो केसेस थे उसमें से एक जो केस है उसके फादर ने साइड किया कि नहीं पागल बच्चा है इसको नहीं करेंगे, तो इसकी मम्मी इसको बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी, और अभी लास्ट वन ईयर से बहुत बोलने के बाद में और कहीं से कुछ करने के बाद में वो अभी आकर ट्रीटमेंट करा रही है, एंड इतना अच्छा रिस्पॉन्स है इस बच्चे का बिकॉज ही गॉट सपोर्ट, बिहेवियर थेरेपी चल रही है, स्पीच थेरेपी चल रही है, सोशल थेरेपी। लेकिन जैसा सर ने बोला ना कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो ये बच्चा जब स्कूल में आता है तो ये इतना डिसिप्लिन्ड रहता है, इतने प्यार से मैंने खुद देखा, और वही उसकी मम्मी बताती कि जैसे ही ये घर पहुंच जाता, क्योंकि उसको वहां पे सब लोग पागल 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 बोलते हैं, ये घर में जाकर के बिल्कुल अलग सा बिहेवियर होता है। सो आई वॉन्ट टू टेल कि मतलब कितना जरूरी होता है एक गुड एनवायरनमेंट फॉर योर गुड मेंटल वेलबींग। तो मतलब ये एक लाइव एग्जाम्पल था मेरे लिए विच इज रियली गुड, कि मतलब अच्छा कर रहो तो फिर आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं, मिलेगा ही। श्यामल राव जी भाई साहब ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। श्यामल राव जी, श्यामल राव जी भाई साहब हैंड रेज किया है आपने, आवाज आ रही है मेरी?